हेलो थर्ड क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप ऑल आर गुड। आई होप आप अपनी स्टडी कंटिन्यू घर पर कर रहे होंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको आपके 10.2 के सेकेंड पार्ट में कन्वर्ट इनटू किलोमीटर्स के कुछ सम कराए थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो आगे भी मैं इसके कुछ सम्स बच रहे थे बेटा, मैं वो आपको करा रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे बच्चे एक तो अपनी बुक ओपन कर लीजिए, जिससे आपको समझ में आए कि मैं कौन सा सम आपको करा रही हूँ। तो बेटा जो हमारा सेकंड पार्ट है उसका हम एक सम लेते हैं, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। 3200 मीटर को हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। आपको मैंने कल भी बताया था कि 1000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1000 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 1 किलोमीटर। ओके बेटा, तो हमें 3200 किलोमीटर सॉरी मीटर दिए हुए हैं, तो इसमें कितने किलोमीटर होंगे? इसको हम क्या करेंगे बेटा, इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 मीटर से। तो हम डिवाइड करते हैं बच्चों, 1000 से हमने इसको डिवाइड किया, तो 1000 से हमने इसको डिवाइड सॉरी 1000 को मल्टीप्लाई किया, 2000 आया, 3 को हमने किया 3000, और 4 से हमने 1000 को डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई किया तो 4000 आया। तो 4000 जो है वो बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3000। अब हमने 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखा, 0, 0, 0 एंड 3, तो हमारा आया 3000। तो हमने यहाँ 3000 आया, कितने पर आया, 3 पर, 3 हमने यहाँ पर राइट कर दिया। ओके बच्चों, अब हम इसको सबट्रैक्ट करते हैं, 0 में से 0, 0 में से 0, 2 में से 0, तो यहाँ पर हमारा 2 आएगा और ये 0। ठीक है बेटा, तो हमारा आया 200, और जो 1000 है वो 200 से बड़ा है, तो हमारी जो डिवाइड है वो इतनी ही यहाँ पर रहेगी। ओके बच्चों, तो हमारा आया 3 किलोमीटर 200 मीटर। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब आपको पता चल गया होगा कि 3200 में कितने किलोमीटर होते हैं, कितने होते हैं, 3 किलोमीटर एंड 200 मीटर। एक और देख लेते हैं हमारा, हम सेकंड यहाँ पे करते हैं, फिर वहां पे एक और सेकंड है हमारा 6120 मीटर को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। यू नो दैट मीटर को अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, जैसे मैं सीक्वेंस वाइज राइट कर रही हूँ, तो आपको भी ऐसे ही नोटबुक में राइट करना है। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होते हैं, और हमें दिए हुए हैं 6120 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, तो इसको हम बेटा सॉरी 20 है, इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो मैं इधर आपको डिवाइड करके दिखा रही हूँ। 6120 को हमने 1000 से डिवाइड किया, तो मैंने पहले भी आपको डिवाइड 1000 डिवाइड करके दिखाया था, 1000 टू पे करेंगे हमारा 2000 आएगा, 3 पे करेंगे 3 आएगा, 4 पे करेंगे 4000, 5 पे किया तो 5000, और अब हम देखो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 1000 को, 0, 0, 0 एंड 6, 1, 6, तो हमारा क्या आया 6000, और 7 पे करेंगे तो 7000 आएगा, 7 जो है वो हमारा बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा 6000, कितने पर, 6 पर। ओके बेटा, अब हम सबट्रैक्ट करते हैं 0, 2, 1, तो हमारा क्या आया 6 किलोमीटर 120 मीटर, 6 किलोमीटर 120 मीटर होते हैं 6120 मीटर में, 6 किलोमीटर और 120 मीटर्स होते हैं, इज़ मीटर्स होते हैं, इज़ दैट क्लियर? ये तो हमारा था बेटा कन्वर्ट इनटू किलोमीटर, और फर्स्ट पार्ट था कन्वर्ट इनटू मीटर। फर्स्ट पार्ट था हमारा कन्वर्ट इनटू मीटर्स,
ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, इसका था 6 किलोमीटर है जैसे, तो इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं बेटा मीटर? 1000। तो 6 किलोमीटर में कितने होंगे? मैंने आपको बताया था अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, हम 6 किलोमीटर में कितने होंगे? 6 को बेटा 1000 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई। तो हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, 0 किसी भी डिजिट को अगर हम किस 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 0 ही आंसर आता है, 0 0 6 1 6। तो हमारा आया 6000 मीटर, क्योंकि हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम मीटर ही राइट करेंगे। ओके बेटा, आई होप आपको 10.2 जो मैंने कराई है उसके साम मैं 2 डेज से आपको इस वीडियो में समझा रही थी, इनके साम और जो बाकी के रह गए मैंने दोबारा रिपीट करा दिए हैं। आई होप आपको वो समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज फिर भी बेटा आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल कर पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, बाय, हैव अ नाइस डे।